कैसे हो आप लोग दोस्तों, मैं हूं कश्मीर और आप देख रहे हैं मिस्टर मेकर सेल्फ यूनिक इंटरव्यू मिस्टेक सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फिर से टेक्निकल राउंड। आप लोगों का सर पहला वीडियो में तो टेक्निकल राउंड का था, यस वो था स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए और ये है बीम इंजीनियर्स के लिए। अगर आप बीम के इंटरव्यू में जा रहे हो तो टेक्निकल राउंड्स में आपकी क्या गलतियां हो सकती हैं डीप में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा और नीचे कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि हाँ सर मेरे से भी गलती हुई या फिर आपको ये पता है। जो भी चीज़ें हैं नीचे कमेंट करके हमारे हौसला को जरूर बढ़ाना और क्या बोलते हैं अच्छा लगेगा कि मैं और इसको कंटिन्यू करता चला जाऊँ। आप लोग को पता है कि बीम का इंटरव्यू यानी बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग के जब इंटरव्यू में जाते हो तो कंपनी आपको किस लिए हायर कर रही है आपको पता है। कंपनी आपको हायर कर रही है कि जो भी ये देखो मेरे पीछे फील्ड है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा पीछे फील्ड है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली होगी वो सारी प्रॉब्लम को देखना चाहता है अपने लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। अब आपने क्या कर रखा, आपने YouTube पे मेरे से या फिर किसी से भी सीखा या फिर किसी ने भी 5 मिनट में समराइज करने की कोशिश की कि जो बीम है वो रैबिट ही है। कई लोग तो यही कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर बीम रैबिट है कि रैबिट बीम है, ठीक है भाई, ना बीम रैबिट है ना रैबिट बीम है, बीम एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बीम एक कॉन्सेप्ट है जिसकी प्रोसेसिंग के लिए रैबिट की हेल्प लेते हैं, नेविसवर की हेल्प लेते हैं और स्केचअप की हेल्प लेते हैं, टीडीएस मैक्स की लेते हैं, टेक्ला की लेते हैं और भी बहुत सॉफ्टवेयर हैं। ये मेन सॉफ्टवेयर्स ये हैं, मतलब बीम का मतलब जो यहाँ पर बनने वाला है वो सब कुछ मैं यहाँ पर बना के तैयार कर दूँ। अब ये सब वही कर सकता है जिसको इसका कॉन्सेप्ट पता है। तो टेक्निकल राउंड में वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं ये समझो। टेक्निकल राउंड में वो आपसे उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्ड पता है क्या आपको। स्टैंडर्ड मतलब आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट रेरा हो गया है, जो बिल्डर बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा सबसे ज़्यादा अभी फोकस करना पड़ता है रेरा के रूल्स को। तो रेरा के रूल्स आपको पता है क्या, ये सबसे पहला फोकस होता है। दूसरा फोकस होता है क्योंकि डेफिनेटली उसको प्लान करके पास भी तो करवाना है, बना नहीं है अभी लैपटॉप पे बना रहे हो तो पास करवाना है ना, तो पास तभी करवा पाओगे जब स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। तो स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए बिल्डिंग बाय लॉ पता है कि आपको, अगर हाँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो, फटाफट बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ लो। ओके, और सर क्या लगता होगा बीम के इंटरव्यू में क्रैक करने के लिए, भाई आपको उसमें सॉफ्टवेयर पे काम करने हैं बट उसकी कुछ LODs होती हैं। LOD मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो कंपनी बोलती है कि मुझे LOD 300 तक काम करवाना है, कोई बोलता है LOD 500 तक करवाना है। तो LOD 100 में क्या होता है, LOD 200 में क्या होता है, LOD 300 में क्या होता है, 350 में क्या होता है, 400 में क्या, मतलब LODs का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब आपको पता है जमाना बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे ही आपकी भी क्या बोलते हैं, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे 2D में प्लानिंग कर देते थे काम हो जाता था, अब 2D के साथ 3D देना पड़ता है, 3D के साथ 4D देना पड़ता है, 4D के साथ 5D देना पड़ता है। 4D क्या होता है, 5D होता है, पता है क्या होता है, ठीक है, मैंने एक सेमिनार किया हुआ है बीम वेबिनार, भाई आकाश पांडे डालोगे, 1 घंटे का है पूरा, मैंने LOD और क्या बोलते हैं 2D 3D 4D 5D मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, इवन 6D 7D भी किया हुआ है। तो मन करे तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज यूनिसिविल एप्लीकेशन में जाइए, बीम का कंप्लीट कोर्स है उसमें। ये टॉपिक जो है ये तो क्लास 1 में ही है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2-3 क्लासेस फ्री हैं, 8-10 क्लासेस फ्री हैं और उनको आप वॉच करके देख सकते हैं। आपका मन करे तो बहुत ही कम फी में उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ों पर हमें रिक्वायरमेंट होती है। गाइस आप सबको पता है अभी AI बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप कैसे, आप इस रूम में बैठा हूँ मुझे डोर बंद करना है, मैं रिमोट से डोर बंद कर सकता हूँ क्या, ये भी बीम के अंदर आपको पता करना है। सोलर पैनल बढ़ रहे हैं, सोलर पैनल अभी विंडो में लगने लगे हैं, ठीक है, विंडो जो कांच लगा हुआ है इस कांच में भी लगने लगे हैं। तो कांच में किस तरह के हम लोग सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हैं जिससे लाइट ज़्यादा जनरेट होगी, उसका सिस्टम क्या देना पड़ेगा, कितना लाइट जनरेट होगी, अपने रूफ पे लगाया तो रूफ पे अगर कितने किलोवाट का लगाएंगे तो कितना हमारा लाइट जनरेशन होगा, एक बिल्डिंग के लिए टोटल लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, डक्टिंग, क्योंकि ये सब बीम का ही अंदर आ रहा है तो डक्टिंग करोगे कितना, यहाँ पर गैस दे दिया जैसे जैसे कूलिंग मेंटेन रहे, ठीक है, वहाँ पर HE यूनिट लगाना पड़ते हैं, HE यूनिट कितने पावर का लगाया जाए जिससे कि बेनिफिट आपके मतलब आपके कंपनी में कोई कूलिंग का प्रॉब्लम ना जाए, वेंटिलेशन का ध्यान देना पड़ता है, वेंटिलेशन कैसे देंगे, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में रैबिट आपको आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर, रैबिट MEP और रैबिट फैमिली, ये चारों डीप में आना चाहिए, और रैबिट एस्टिमेशन, ठीक है, सबको रैबिट के अंदर ही है पांचों चीज, ठीक है, मैंने सब बताया हुआ है ऑलरेडी। उसके बाद आपको 3ds Max का पूरा नॉलेज होना चाहिए, 3ds Max में क्या आपको पता होना चाहिए, 3ds Max में कैसे रेंडरिंग करते हैं, 3ds Max में वीरे कैसे यूज करते हैं, फ्रंट व्यू का एलिवेशन लेके कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। नेविसवर में आपको 4D और 5D का काम पता होना चाहिए, जनवरी में कितना प्राइस लगेगा, फरवरी में कितना प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी, मार्च में कितने प्राइस की रिक्वायरमेंट होगी,
होगी। ये सब किससे करेंगे? ये सब हम लोग करेंगे अपने नेविस वर्क से। जनवरी में कितना वर्क हो जाएगा, फुटिंग का वर्क हो जाएगा क्या, फरवरी में क्या कॉलम का वर्क हो जाएगा, मार्च में क्या बीम का वर्क हो जाएगा, लाइक उसके बाद अप्रैल में स्लैब का वर्क हो जाएगा, क्या पता है क्या? तो ये नेविस वर्क पे इसका एनिवेशन आपको पता होना चाहिए। बड़ा आसान है, कुछ ज़्यादा डीप में नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप बहुत आसानी से होने लगता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो दैट मीन्स कि आपको सॉफ्टवेयर तो पता है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की, और क्या और कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए। बिलिंग करना आता है क्या आपको? बिलिंग करना आता हो क्या आपको? अप्रूवल कराने के लिए कौन कौन सी ड्राइंग्स देनी पड़ेगी आपको पता है क्या? 3D डिटेलिंग्स की ड्राइंग्स कैसे क्रिएट करेंगे रेविट के अंदर क्या आपको पता है क्या? ये सारी चीज़ों को डिटेल्स पता होना चाहिए। BBS पता होना चाहिए कि एक पूरे बिल्डिंग के लिए कितना स्टील की रिक्वायरमेंट होगी, कितना डेवलपमेंट लेंथ उसको प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पर कहाँ पर लैपिंग्स यूज होंगी, ये सारी चीज़ें पता है क्या आपको? उसका एस्टिमेट करना आपको आता है क्या? अगर नहीं आता है तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब बीम के अंदर आ रहा है। मतलब जो वर्क वहाँ होने वाला है वो सारे वर्क यहाँ पर आपका, आपका जो बिल्डिंग है अगर उसको ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट देना है तो कितने परसेंट बिल्डिंग्स को आप ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट दे पा रहे हो, मतलब कितना ट्रीज लगाओगे, ट्रीज से कितना ऑक्सीजन जनरेट होगा कि आपको पता है क्या? कितनी ओपनिंग्स दे रहे हो, कितना वॉकिंग डिस्टेंस छोड़ रहे हो, कितना स्विमिंग पूल का साइज दे रहे हो, कितना जिम को साइज दे रहे हो, कितना कम्युनिटी हॉल बड़ा बना रहे हो, ये सारों चीज़ों का स्टैंडर्ड आपको पता है क्या? अगर नहीं पता तो ये भाई बीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूम बना रहे हो तो अगर मान सपोज ये रूम अगर 2x4 का होता, 2x4 फीट का होता, तो इस रूम का मैं क्या यूज करता? तो मतलब आपको पता होना चाहिए रूम का स्टैंडर्ड साइज में क्या दूंगा। किचन कभी कभी होता है कि पूरा फ्लैट बन गया, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि फ्लैट में जो किचन का जो साइज है वो छोटा है, पूरा सीरीज ही सेल नहीं होती, लोग थक जाते हैं। जो 50 लाख का प्रोजेक्ट बना था, आपने बनाया था, उसको मुश्किल से बिल्डर को बेचना पड़ता है 30 से 35 लाख रुपए में, एक गलती से कि किचन का डिस्टेंस आपने छोड़ना है, सही से नहीं छोड़ा, एक छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे इस बिल्डिंग में मैंने देखा हुआ कि यहाँ पर वेंटिलेशन तो बहुत अच्छा है, बट इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, ठंडी को टाइम पर बहुत ज़्यादा कूलिंग हो जाती है कि अंदर ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा कि डेफिनेटली इस फ्लैट का वो प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस मिलना चाहिए। एक बिल्डिंग बनी हुई जिसमें सनलाइट ही नहीं जाती है, भाई सनलाइट नहीं जा रही, बिलीव करो उस बिल्डिंग का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मैंने एक वेबिनार बताया हुआ है घंटे में, उसको कंप्लीट कर लीजिए। टेक्निकल राउंड में आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपको LOD पूरा पता होना चाहिए, आपको पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए 2D 3D 4D 5D 6D 7D को के बारे में पता होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी बिल्डिंग के अंदर क्या इंट्रोड्यूस हो रही है। अभी आप लोग देखते होंगे 6 बजे आपकी पूरे सोसाइटी की लाइट जल जाती है, कैसे जलती है, कैसे रिमोट वर्क काम करता है, पूरे सोसाइटी में बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हुई फटाफट वो क्या करते हैं, वॉकी टॉकी से बात करते हैं और सारे गार्ड कनेक्ट होके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फायर अलार्म लगा हुआ, कहीं फायर जल गया, मतलब कहीं फायर अलार्म बज गया, कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको कट करेंगे, कहाँ उसका कनेक्शन देंगे जिससे कि पूरे बिल्डिंग को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आजकल देखते होंगे छत में स्प्रिंकलर्स आ चुके हैं जिससे कि आपको आग लगी किसी कमरे में पानी ऑटोमेटिक नीचे आने लगेगा, कैसे लगाते हैं, कैसे उसको प्लेस करते हैं, इनके बारे में डीप में समझना पड़ेगा। आपके बाथरूम का जो पानी है वो किस तरीके से बाहर ड्रेनेज होगा, उसकी प्लम्बिंग कैसे करेंगे उसको पता होना चाहिए। आपको नल में जो पानी आ रहा है कैसे आएगा, गैस का कनेक्शन देंगे तो कहाँ से उसकी पाइप्स आएंगी, ये सारी चीज़ें बीम के अंदर आती हैं गाइस। तो मैंने तो अपने बीम के जो कोर्स, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट कराया हुआ है, स्कूल प्रोजेक्ट, मतलब एक सिविल इंजीनियरिंग का पूरा कॉलेज है, उसको कैसे बनाते हैं पूरा डीप में बताया है। वैसे भी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइस, होप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आते हैं बिलीव करिए, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेन इसका बाद हो जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप सबको पता है बीम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर में एक पोर्टफोलियो के बिना आपको जॉब लग सकती है, लेकिन बीम में बिना पोर्टफोलियो के जॉब लगना बहुत मुश्किल है। अच्छी कंपनियां पहले ही आपको बोल देती हैं सेंड मी योर पोर्टफोलियो ऑन रिज्यूमे। ठीक है, तो पोर्टफोलियो को बेहतर बनाना, पोर्टफोलियो में जो बनाए हो उस पर आपको पता होना चाहिए मैंने बनाया कैसे है। कई लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट भी करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये काम मत करो, क्योंकि इन टेक्निकल राउंड में वो आपसे पूछ लेंगे इसमें बनाया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या फॉलो किया था, कहाँ से इस ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट लिया था। अगर आपने किया हुआ है तो आप बता पाओगे, नहीं किया हुआ है तो गलत बता दोगे। चलिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली बीम के इंटरव्यू, बीम के टेक्निकल राउंड में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और आप आराम से बीम के इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप टेलीफोनिक राउंड में क्या गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन हो जाता है। तो होप आपको भी वो भी वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। और ये सीरीज कैसे लग रही है फिर से बोलूंगा, कमेंट करके जरूर बताना। यूनिक सिविल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना और उसमें भी बीम का जो कोर्स है उसमें जो फ्री वीडियोस हैं एटलीस्ट उनको वॉच करो, अच्छा लगे तो उनको आप कंटिन्यू भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।